दा मुर्शद अली जिदा मुर्शद अली जिदा मुर्शद अली लजपाल नहीं जिदा मुर्शद अली बेटा पढ़ो जिदा मुर्शद अली लजपाल जिदा मुर्शद अली लजपाल नहीं जिदा मुर्शद अली लजपाल जोर लाओ जिदा मुर्शद अली जिदा मुर्शद अली लजपाल नहीं ओ जन्नत दा हकदार नहीं खुदा का दीन बचाना हुसैन जान मेरे कहते नहीं कह जड़े हसण आए ने इन्होंने वास्ते भी नहीं ये कोई बख्तां वाला इस घर का नौकर बनता है जेड़े पढ़ सकते हो पढ़ लो खुदा का दीन बचाना हुसैन जान तीन बारी ये ना कह लो हुसैन हुसैन जान जानते हैं हुसैन या हुसैन इब्ने अली तेरी जवानी को सलाम या हुसैन इब्ने अली तेरी जवानी को सलाम खूने हैदर मुहम्मद की निशानी या हुसैन इब्ने अली तेरी जवानी को सलाम खूने हैदर मुहम्मद की निशानी को सलाम तेरी सूरत को सलाम तेरी सीरत को सलाम तेरी सूरत को सलाम तेरी सीरत को सलाम तेरे चेहरे को तेरी पाक पेशानी को सलाम सूरत को सलाम तेरी सीरत को सलाम क्योंकि सीख दे उत्ते बचड़े दे के दीन बचाना ओए बचड़े दे के दीन बचाना तेरी सूरत को सलाम
तेरी सीरत को सलाम बचड़े दे के दीन बचाना ए पीर हुसैन दा कम है तेरी सूरत को सलाम तेरी सीरत को सलाम उम्मत नु वसा छड़िया उम्मत दी अमीरा ने इस्लाम बचा छड़िया ज़ैनब दिया वीराने तेरी सूरत को सलाम उम्मत नु वसा छड़िया उम्मत नु वसा छड़िया उम्मत नु वसा छड़िया इस उम्मत नु वसा छड़िया हम सीतां दियां रौनकां ए मौलवियो ताडे दरस्ते तकरीरां ए मदरसे अल्लाहू दियां आवाज़ां उम्मत नु वसा उम्मत दे अमीरां ने इस्लाम बचा छड़िया ज़ैनब दिया वीरां ने तेरी सूरत को सलाम तेरी सीरत को सलाम तेरी सूरत को सलाम तेरी सीरत को सलाम खुदा का दीन बचाना हुसैन जान के कोई बंदा मुंशी ना बने तकरीर सुनो ओ भाई जी चुप करके बैठे रहो खुदा का दीन बचाना हुसैन मौलवी जी पढ़ो हुसैन हुसैन जानते हैं एक एक लफ्ज़ गौर करो खुदा का दीन बचाना हुसैन जानते हैं यजीदियत को मिटाना हुसैन यजी हाँ चुके गल सुनो ठहरो बेटा ठहरो मेहरबानी एक जना नारा मारो क्या जेड़े मुँह घुट के बैठे हो तुहाडा अली नाल रसूल नाल कोई तलक नहीं ठहर जा आ नवाज शरीफ ते इमरान खान वास्ते सड़कां ते जलील हुंदे हो जिन्ना दी मुहब्बत फर्ज है उन्होंने जिक्र पिया मैं करना बड़ा ही बदनसीब बैठा जरा मुंह घुट के बैठा खुदा का दीन बचाना हुसैन जान खुदा का दीन दीनस्तु हुसैन दीनस्तु हुसैन ओ म्याणियो दीनस्तु हुसैन ओ दीन दा सड़का फिटे पयो दीनस्तु हुसैन ओ हुसैन दियो गद्दारो दीन अस्तु हुसैन ओ अले बै दियो मुन करो दीन अस्तु हुसैन दीन पना अस्तु हुसैन खुदा का दीन बचाना हुसैन जानते हैं
यजीदियत को मिटाना हुसैन। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यजीदियत को मिटाना हुसैन। एक मिसरा कह देना, कहाँ कहाँ हैं दीवाने हुसैन जा, हुसैन। फातेह करबला, शाह सवारे करबला, मोहसिने इस्लाम, जिन्ना दे सदके इस्लाम दा परचम बुलंद, जिन्ना क़यामत तक यजीदियत दा खात्मा कर छड़े, खूने रसूल, नस्ले रसूल, औलादे रसूल, सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सलाम और दीगर शुहदा की याद अंदर मेरे मसलक के अजीम खतीब बड़े मुखलस दरवेश सिफ्त आलम दीन, मैं कुछ शामिल नहीं कर रहा, जो मैं समझिया वो कह रहा हूँ, लफबाजी तो झूठ तो जड़ा बंदा बचे है, अजीम मेरा खतीब मौलाना शकील अहमद साहब, उन्होंने रफका साथियों, इन अजीजा सारियां जड़े आए बैठे हो, अल्लाह पाक इन्हों की उम्र अंदर, इलम अंदर, दीन की खिदमत अंदर, नेकी अंदर मजीद बरकत अता फरमाए। जेड़े हजरात ए आबादी शामिल हो, अल्लाह तुहाडे कारोबार अंदर बरकत अता, मेरे मसल के बेहतरीन खतीब मौलाना जफर इकबाल साहब नेमी तशरीफ फरमा ने, हजरात तशरीफ फरमा ने, और मेरा बड़ा लाडला जिहा वीर ते दरवेश वीर पीरे तरीकत सजादा नशीन आस्तान आलिया सईदा वाली शरीफ हजरत साहबजादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब, मैं बड़ी खुशी नाल ऐलान करना पिया कि मैं अपने भाई की सदारत चवास पिया करना। ये मुखलिस साथी अल्लाह पाक इन्हां दे फैजान अंदर हर नेकी अंदर रोज पंडा बन के बरकता था। इस गल का अफसोस मौलाना शकील अहमद साहब लगना होना कि मौसम हबस परेशान नहीं होंगी इन्होंने, मेरे ना मुहब्बत है, मैं कोशिश करनी है ज्यादा तो ज्यादा तकरीर करा क्योंकि हार्ट का मरीज है मेरे वास्ते, माहौल खतरनाक है, मैं कोशिश करनी है जिनी हुई उन्नी कर देंगा, अल्लाह करे लंबी तकरीर करा, जे मैं कुछ महसूस किया ना जो मैं उठिया मैं राह दे दिया जे मैं बाहर खुली फजा चला जाऊंगा। इस वास्ते मर्ज की हूँ बहो ना मैं तकरीर करवा लो, इंशाल्लाह अल्लाह करम करे उसकी रहमत ते यकीन है क्योंकि बंदा बड़ा मुखलिस मौलाना शकील अहमद साहब। हूँ तुसा अगे पिछे नहीं देखना, कन्ना च गल्लां भी दो त्रै कीतियां ने, हूँ किसी आके बुरा लगता बंदा महफल के अदाब छोड़े ते, बल्कि जेड़ा कर दे उहदी तुहीन हुंदी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ लै के जाए कुछ गवा के ना टुर जाए, ये मैं मुहब्बत ने तुहानू कहा। बला तमहीद गुफ्तगू, मेरा दिल करदा मैं इस ऐत दा हुण तर्जमा भी ना करा, शहीदां दीआं किस्मां भी बयान ना करा, एक मोटी जी गल तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करन लगा।
कुरानो हदीस की रोशनी अंदर कि शहीद का दर्जा वह दर्जा है कि अल्लाह का इनाम है। मर्द जाना ही है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, कुल्लू मन अलैहा फान, जो बने इन्हें ठहना है, जेड़ा जमे है उन्हें मरना है। मौत डरने वाली चीज नहीं, याद रखने वाली चीज है, क्योंकि सारा निजाम अल्लाह के करम नाल चलता पिया, अल्लाह की मेहरबानी नाल चलता पिया। वो मेहरबानी ना करे तो भावें वजीरे आजम होवे, भावें सदर होवे, भावें तुसी होवो, भावें मैं होवां, भावें मजदूर होवे तो भावें फैक्ट्री का मालक होवे, भावें मौलवी मुफ्ती हवलकारी होवे, भावें चीमा चट्ठा विरकताड़ पट्टियां दराह वट्टू वड़ाच होवे, MNA होवीए, साडी सारयां दी औकात यही है। एक साह अंदरों बाहर नहीं आया तां वी मुक जाणा है, रुक गया तां वी हो जाणा है। एक दम दी खेड है मियां वारस, रब कर बेवारस मार। अल्लाह मैनू ते तुहानू ये याद रखण दी और अमल करन दी तौफीक ता फरमाए। आ देखो मेरे हाल, मेरा देखो, अल्लाह करम ना ना करे मैं टिशू फड़ के इंज नहीं कर सकदा। सच्ची गल है कि झूठी है? जो तो औकात यह जी हुई है ना तो जिंदगी चवल नहीं मारी गई। हूँ वजाहत नहीं मैं करता, चवल लफ बड़ा मकूल जहा लफज है। जो तो तेन घड़ी का पता नहीं, मैनू घड़ी का पता नहीं, दूजी गल करनी है कि नहीं करनी, उठ के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, एदो वड्डा अपनी जान से जुलम बंदा कौन करता पाया, जिन्हों मौत भुल के जिंदगी गुजारदा पिया, सूद भी खांदा पिया, फराड भी करदा पिया, धोखे भी करदा पिया, नमाज भी नहीं पढ़दा पिया, जुलम भी करदा पिया, मिलावट भी करदा पिया, रोज टीवी ते बलग चकार गीबत कर रहा है, फलाना इंज दाई फलाना चंगा ही फलाना बीबियां बंदे, इमरान खान नवाज शरीफ वास्ते गीबत शुरू हुई है, वो तुहानू जानदी कोई नहीं। गीबत करना जना नाल गुदा अमल है, हदीस पढ़ के देख लो, मैं वजाहत भी कर सकना पर टाइम लगेगा। असा जदों लित्र खाते ना हकूकों बाद तो खाने ने, इन्नी गल कह देना, क्योंकि वह जिन्हें बन्ने माफ ना किया अल्लाह करना ही, अल्लाह तो वड्डा आदल कौन है। ये सब कुछ मैं कह गया, समझ आई ना समझ आई तुहाडी मर्जी, वजाहत दा हुण टाइम नहीं इस माहौल च। इन्ना बदनसीब है जिहड़ा सूद खांदा है, जिहदे कपड़े हराम दे पैसे दे, जिहड़ा खांदा हराम है, ते जोड़ी आउंदा बालां वास्ते, बालां मौजां करन असीं कवर च लित्तर खराइए, फिड़े मूं तेरी जिंदगी दे फिड़ेंगे, भावें मैं होवां ते भावें कोई होर होवे, ओह बालां वंड लैणे, बड़े पैसे मैनूं नजराने मिलदे ने, बालां ही खा छड़े ने, कभी उन्होंने पढ़ाई से ला छड़े ने, कभी उन्होंने व्याह से ला छड़े ने, कभी मकान बनाने ला छड़े ने, अजे भी लै जाते हैं, इन्ना बिल नहीं दिता जाता मैं देना, तुहाडे नाल भी इंज ही होना जी, जिवें तुसां पिओवां दा सब कुछ वंड के खा लिया ना, साडा भी खा लेना है, ते विच सूद छड गए हो, हराम छड गए हो, किहदा हक छड गए हो, धोखा कर गए हो, मिलावट कर लिओ, बालां दीआं ते लग गईआं मौजां चार दिन, बदनसीब वो बंदा एडा जिहदा रिज़क हराम है, उहनूं किसे दुश्मन की लोड़ ही कोई नहीं, क्योंकि हराम दिया पैसों चो मसलन मैं ही हाँ, हराम दिया पैसों हज करा कबूल है, उची बोलो मारी गए हुण, हराम दिया पैसों का हज कबूल है, उमरे कबूल ने, मसीत बनानी कबूल है, नमाज कबूल है, वड्डी ते 5000 बकरा कोशना ठीक है, रोज भी देगा वंडना ठीक है, एदो वड्डा बदनसीब कौन है। हाँ तो मैं गुनाहगार बंदा पर एक तर नुस्खा दसना, हकीम नहीं रूहानी नुस्खा, शाह जी की उलमा की मौजूदगी च नमाज में भी पढ़ना, तुम पढ़ रहे हो, कभी हलाल पा के ते हलाल खा के आई, तेन उदन पता लगेगा असला तो मेरा जलमू मैंने लिखी है। Yeah.
सुनो ये गल यही सच्ची जे याद रखिए भी यही सच्ची जे भुल जाएंगे ता भी सच्ची है। तो मैं रिजके हराम भी करना पे मुजम्मत कि आप मैं जिदन खादा ना मैनू लित्र चोखे पैने ने बगैर तो लोगों तकीर सुनता रहा आप पर सही रगड़ गए हैं गल सच्ची तुसा मन के तौबा ना की होना थोड़े न भी यही जे वजह असी झूठे हो सकने कुरान हदीस झूठा नहीं। तो मैं शहादत की गल कर लगा मेरी आदत के विच इहो गल कर चढ़नियाँ यही आवाज़ होंगे ने लोगों काफर मुशरक लड़ा के टुर जाना आवाज़ नहीं होंगे मरते जाने ही है। मैं आख्या एक दम की खेड उसकी वजह मैं चलना पाया शाह साहब आ गए पीर साहब आ गए ने आई साहब आ गए ने नमान साहब आ गए ने मौला शकीर साहब नईमी साहब भाई उरी चौधरी साहब फलां साहब फलां साहब तुसी सारे बंदे जानते हो जो तो मर जाइए ना उदो किसी नहीं पुछना शाह उरी कित्थे ने पीर उरी कित्थे ने अफरी कित्थे ने कारी उरी कित्थे ने मालक साहब फैक्ट्री के कित्थे ने चो नहीं आउंदे आ सार पैर पाच रखते ने मैयत तैयार है ही एक दम की खेड मियां वारस रब कर बेवारस मारदा है बदनसीब बंदा जिहड़ा मौत भुल जांदा है ते चवला मारदा है गल पिया करना मर ते जाना ही है ते जे मरन लगिया भी आखे तू मेरे नां ते मरिया मैं तेनू मरन नहीं देना जिन्हें तेनू मोया आखा ते लित्तर ओह भी खावे सदके जावां इस मौत तो मेहरबानी हर बंदा तवज्जो नाल ही सुनदा पिया तू क्यों मेरे नां ते मरिया मेरे महबूब की गुलामी च मरिया मर तू गया पर मैं इंज नहीं तेनू मारना जिवें ये मारे ने तेनू मर के भी एडी आला जिंदगी देवांगा इन्हां दे शऊर तो बाहर होवेगी ते जिहड़ा तेनू मुर्दा आखेगा वो कबर अशर दुनिया ते लित्तर खाएगा मैं राजी उदो आखांगा जो मोए नू भी जिंदा आखेगा एक ते तुहानू ये बंदा वारी नहीं देंदा पिया जवाब सही दे सको ते कई अजे भी मूंह घुट के बैठे ने नारे दा टाइम देईदा अगो जवाब दे सकन तेरे सैल नवे पै ने टाइम देईदा किसी जवाब तो देवे तू आपे लगा कोई तेरी मुहब्बत नूं अल्लाह होरा अल्लाह वसन नारा मार के खामोश हो जा जवाब दे उन्होंने भी टाइम दे तवज्जो है जना मेरे वाले अल्लाह फरमांदा वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बला हिया वला किल्ला तश इहदे टुकरे भी वेखे तेनू मोया नहीं वो आखना नसे कती दा इनकार तेरा ईमान जाया कर देगा शहीदी आजाद दा इनकार करना लित्तर खाण वाला कीता लित्तर खाण वाला कुरान दी हरफ दा इनकार करिए बेईमान होइंदा बंदा जिन्हें शहीद नूं जिंदा ना मन्निया उहदे ईमान च नहीं रहना उहदे च ईमान नहीं रहना या लाए दा पेट फट गया है गर्दन लै गई है बाजू लै गए ने फैर लगा है छुरी वजी है साडे सामने तड़प तड़प के ठंडा हो गया है जनाजा पड़िया दबाया फरमाया है अजे भी जिंदा है जेड़ा मेरे यार दे नां ते मेरे नां ते मरे उन्होंने मरन देना ही नहीं अल्लाह दा कुरान है मैं कोई गल नहीं करता पाया शहीद जिंदा है शहीद आंदने नबी जिंदा जे दफन क्यों किया जे शहीद नूं तो जिंदा मानने ना क्यों दफन करना है कोई दफन करन नाल भी बंदे कोई मुक नहीं जाते जिंदे ही रहिंदे ने तो मेहरज कर रहा मरना तो है ही है तो जिन्हों शहादत एक इनाम है मैं तीसरा मसला शुरू कर लिया हूँ पता नहीं तो समझाउणी है कि नहीं शहादत एक इनाम है एक दर्जा है बड़ा वड्डा दर्जा मैं थले किस्मां इस वास्ते बयान करता पे गल वड्डियां दी फिर वड्डी करिए
गल वड्डियां दी है। ये दर्जा पता किन्ना मेरे वाल वेखो, पहला दर्जा मिन नबीना वसदीकीना पहला दर्जा नबियां दा, बोलो पहला दर्जा, ते सारे नबी शान वाले। वरफा बादम दरजात, सब तो आला मदीने आला नबियां दा नबी। कोई नबी किसे नबी वास बन के नहीं आया, हजूर नबियां दे भी नबी। अल्लाह फरमांदा वरफा बादम दरजात, पहला दर्जा नबियां दा, नबियां तो सब तो आला हजूर। दूजा दर्जा सदीकां दा, अल्लाजी जा बिसिदके वसद्दक बिही उलाइक हुमुल मुत्तकून। मौला मुश्किल कुशा शेरे खुदा हल अता मलूदे काबा पबुर्दा है वो शेर नबूवत अनफुसना वनफुसकुम जाने मुस्तफा सैयद अलौलिया जिहड़ा घोड़े दे बैठे पूरे कुरान की तलावत करता है, जिहदा लू नू कुरान पढ़ता है। आप फरमाते ने अल्लाजी जा बिसिदके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसद्दक बिही अबू बकर मिनन नबीना वसिद्दीकीना। पहला दर्जा नबियां दा, नबी सब तो आला, सारे सदीक शान वाले, सदीके अकबर सब तो आला। इत मैं मजूर रोक के मेरी आदत के नाल नाल अकीदे का लंगर देना। आ जड़ा लंगर वंडींदा है, इहदे नाल जान दा जान नूं तकवीयत मिलदी है। आ जड़ा मैं लंगर मैक अगे देना, इहदे नाल ईमान बच जांदा है। सुनो तवज्जो नाल, मिन नबीना वसिद्दीकीना। हुण को पुछण दी लोड़ रह गई है कि खलीफा तो बिला फसल कौन है, तो कसर रह गई जनाब, तू रह गई। जे ते मनने कुरान नूं ते रौला ही कोई नहीं, ये किसे मास्टर नंबर नहीं लाए, ये आवाज नहीं आई, ये अल्लाह दा कुरान है। ला रह पीए हक भी ए, फातू बे सूरत में मिसले ही बेमिसाल भी ए। कुरान दे एक लफ्ज़ दा इनकार करिए ईमान नहीं रहिंदा। ते कुरान दे कुरान की तरतीब दसदा पिया, मिन नबीना वसिद्दीकीना। जिन्हू समझ आई उस बाण ला को वाकई माशाल्लाह तुहाडे मुक्तदी ने समझ आ रही मैं की कह रहा। एक फिर गल मेरी सुन लो तो मैं आयत को पूरी पढ़ा। आओ जनाब तशरीफ लो, इधर आ जाओ, गल ध्यान सुन दो, पै मेरे वाल वेखो भी, वेखो भी तो सुनो भी। एडे एडे मेज, एडे एडे उच्चे, तो तीन चार कट्ठे पै होंगे मौली साहब के अगे। इस किताब च आ लिखा, इस किताब च आ लिखिया, तो मैं कदों ना नहीं लिखिया, पर इन्नी गल आना वा किताब जी लिखिया केड़ा लोहे महफूज कहीं लिखिया होएगा, मैं कदों ना झूठ बोलना है। नंबर दो, जेड़ा तारीख बयान करके एक एक लफ्ज़ याद रखो यार, गर्मी च बैठे हो तो मैं भी बैठा, एक एक लफ्ज सुन के जाओ। मैं खुलासा जहा बयान करना पाया, जेड़ा मुअर्रख तारीख पढ़ के अकीदा बयान करे ना, उन्नू जाहिल कहना भी इस लफ्ज की तुहीन है। काश ये सारे समझन, समझन ना समझन, मैं अपनी आदत के मुताबिक तकरीर करनी है।
जेड़ा बयान करे तारीफ ते गल करे अकीदे दी उनू जाहिल भी कहिए ना इस लफ्ज दी तुहीन जे किताबां तो उन्हें भी अगर ढेर लाया होंदा है याद रखिया जे तारीख हुज्जत नहीं होती तारीख दलील नहीं होती तारीख मुसन्नफ के जेन की ऐनादार होती है जो मुसन्नफ का जेन है वो तारीख है तारीख पुट्टो दे खिलाफ भी है हमायत भी है तारीख ज़ियाउलक की मुखालवत भी है हमायत भी है तारीख अयूब की मुखालवत भी है हमायत भी है तारीख लिखण वाला लिखता पिया जे जकौर नवाशी वाले उहदी हमायत करेगा इमरान खान से तरकीब लिखेगा ये चुको इधर है तारीफ करेगा। मैं गल समझाने वास्ते जो तुहानू खड़ना चाहना वह सुनो वड्डियां पाकां दा नां नहीं मिलदा मैनू शर्म आउंदी है मिसाल देण लग्गिया नहीं इंज कर लो तारीख सदीक अकबर की तुहीन भी करती है तारीफ भी करती है तारीख उमर फरूक की तारीफ भी करती है तनकीद भी करती है तारीख उस्मान गनी की तारीफ भी करती है तनकीद भी करती है तारीख मौला अली की मौला हसन मौला हुसैन पाक की तनकीद भी करती है तारीफ भी करती है तारीख के यजीद की हमायत भी करती है तारीफ भी कर दी तनकीद भी कर दी है। सियालकोट वाले जे ईमान बचाने जे ना कि मेरी गल याद रखे जे 5 करोड़ मौलवी होन ते 5-5 किताबां फड़िया होन एक पास एक कुरान की आयत होवे या एक सही हदीस होवे सारे दलाइल के मुअर्रख गलत हो सकते ने ना अल्लाह दा कुरान गलत हो सकता ना हजूर दा फरमान कई बंदे बड़े पाटे बनते ने साडा मौलवी बड़ा बावाला गल करता उस को है जू नहीं तुम बावाला ही सुनानी देखो कुरान के मुताबिक है कि नहीं हजूर के फरमान के मुताबिक है कि नहीं कुरान की एक कैद एक पासे हो पूरी दुनिया के मुअर्रख ते म्याणे एक पासे हो हाथ चुक के बोलो जो मुसलमान बैठे हो मेरे सामने हजूर सच्चा कौन है अजे कई नहीं बोले सच्चा कौन है या कुरान सच्चा है या सही हदीस सच्ची है इत्थे रहो तां बचना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से उलमा बैठे ने शाह जी बैठे ने फरमाया को भी जमाना आएगा जो तो फितने तुहाडे घर इंज डिगणगे जिवें मोटिया मोटिया बारिश दियां कणियां पैंदियां ने मैनू उलमा आंदे ने इहो ही दौर है ता मैं चौकीदार बन के तुहाडे ईमान बचाना पिया एक जुमले च बहुत कुछ कहन लगा जनाब मैं तुहाडी बड़ी मेहरबानी जे तवज्जो नाल सुन लिओ भाई तुहाडी बड़ी तवज्जो इह जे बंदे होण जाए सुनण वाले एक मिनट बह जा पुत्तर एक मिनट बह जा आ मसला कर लैंदे फिर उठे मैं आप आखांगे दी खिदमत करां याद रखिया जे गासिब मगर नमाज नहीं हुंदी गासिब मगर नमाज शरीयत की हद क्रॉस कर जाए वो नमाज आए ना आखे वे खुश मौलवी उ फटे खरौड़े नाश्ता करता जी पे मगर नहीं होंगी इंज नहीं मौलवी खेला खाता जी पिया इन्हें मेरी गल नहीं मनती मेरी नहीं होंगी ये जहालत है और बदनसीबी है गासिब शरीयत की पाबंदी ना करने वाला मेन शरीयत के कानून तोड़न वाला उसके पिछे नमाज नहीं होंगी मैं एक लफज कह लगा अपने शाह होरां या मौला अली दियां नमाजां का हिसाब दे दे ते या खलीफा तो बिला फजल सदीक अकबर नूं मन लै एक काम तेनूं करना पैणा हुण मौला अली बैत भी कीती है ते नमाजां भी पढ़िया अबू बकर उमर उस्मान दे मगर ये तू मुकर नहीं सकदा जिन्हू तू हदीस आने उहदे च वी ये रवायतां मौजूद ने ये तेनूं मनना पैणा है ते नमाजी यो होवे जिहदी एक नमाज कदा होए ना ते डुब्बो या वापस आंदा या नमाजां ते फतवा ला दे ते या खलीफा पहला सदीक अकबर नूं मान लै
من النبيين والصديقين ਇਹ ਗੱਲ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ੋਦਾ ਇਹ ਜੇ ਦਰਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਲਾਈਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ समझ दो मैं मगर मिसाल देना जिन्हों नहीं समझ आई उन्हें भी समझ आ जाए देखो हजरत तवज्जो करो कुछ बंदे मरे ने दुनिया से असं भी मर जाना अल्लाह शान न रहीए तो ईमान न मरीए उन्हों घर दे आंदे ने बंदा शहीद है मैनू कोई इतराज नहीं जिन्हों का है वह आखन ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਆਖੀ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਫਿਰਕੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਿਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਟੇ ਬੜੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੂਧੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਜੀ ਵਕਾਊ ਮਾਲ ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਵਾਣਾ ਜੇ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾਨੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜੇ ਕੋਚਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੜਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਏ ਤੇ ਯਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਆਖੀ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁਨਬੇ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਿਰਕਾ ਆਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਘੋੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਸ਼ਹੀਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਈਦ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਈਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਸੌ ਹੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨ ਹੋ ਵੀ ਔਰ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਮਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ ਸੁਣੋ
दो बंदियां दा एक गल च रौला पै गया, खुलासा बयान करना पिया। दुआ करो तबीयत सैक्टर में तकलीफ तो सुनावा, हालात नहीं ठीक। दो बंदियां दा रौला, बथेरा फैसला होया मुक्के ना गल। यहूदी आंदा यार तू आना मैं सच्चा मैं आना मैं, कोई डेरा मल नहीं है, कोई डेरा मल ली है जिदे ते तेनू इतमाद होवे। वो कलमा पढ़न वाला आंदा है ओदे कोल टुर के इंसाफ करा लईए। आंदा मैनू इंज भी वारे चे हाए एक डेरा तू दस एक, मैं उन्हें कहा नहीं मैं ही दसना तो तू मन जाएगा। मैनू डेरा मंजूर है तुहाडे नबी दा। एक जुमला कहन लगा जे तुहानू समझ आए, वाह मदीने वालिया तेरी सूरत भी सोहनी तेरी सीरत भी सोहनी, सादक ते अमीन ही मंदरिया ने काफर भी, इनू भी पता सी ये डेरा हो वे जिते सच्चे नू झूठिया नहीं कहना ते झूठे नू किसे सच्चा नहीं कहना, इतने सच सच रहना झूठ। तू कलमा पढ़ता सी उन्हें ठीक है थोड़े गल पैन लग पे मेरे, मेहरबानी करो या मौसम की वजह तो तुर गए सरकार को बिल्कुल क्लोज करना पिया। सरकार ने दुआ के बयान सुने, फरमाया इस रोले च कलमा पढ़ने वाले तू झूठा है यहूदी सच्चा है। सरकार ने फैसला कर दिता, हुण तुसां मेरे वाल वेखना है ना फिर तुहानू मसले की समझ आनी तो कोई नहीं आनी। अगर समझना चाहते हो तो मेरे वाल वेखो, बाहर निकले। सरकार ने फैसला फरमा दिता, उन्हें कौन सुना भाई आंदा नहीं यार गल नहीं माद अल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाश एह जे लोगों भी तो कलमे पढ़े ही ना तुहानू को नहीं पता लगा मैं की आ गया। हाथ बंदा तकरीर नहीं सुन सकता यही वजह के पांच सात साल तो मैं हर बंदे नू टाइम नहीं दे रहा, इतने तुसा सुननी नहीं मैनू कई लोड़ आने की, तो कारोबार मेरा है कोई नहीं है कि तकीर करांगा पैसे दोगे जी मैनू। मेहरबानी करो तुहाडी मेहरबानी है, मैं इस लाडले वास्ते गर्मी च बैठा मेरे वेखो नहीं यार मैनू ये फैसला मंजूर नहीं माद अल्लाह। हुण मेरे वाल वेख्या जे वो यहूदी आंदा की आखिया छड़ी तो जो है ना की आखिया कि तेनू तेरे नबी का फैसला मंजूर नहीं आंदा। आहो वो तो हुण अरबी च गल्लां उन्हें कीतियां तो मैं तुहानू समझाणा है। वो आंदा फिर लखदी लान वो यहूदी उन्हें की आंदा है जिमें किसी आखिर तेरा फूटे मूह इंज बोलो हजूर की नमूस का मसला है उन्हें की आखिया लख दी अजे मजा नहीं आया हाथ चुक चंगा चढ़ा के आखी जा जिमें आखी देना धुर धुर तेरा फूटे मूह इंज बोलो लख दी मन तेरा फिटे मूह वो चगल दिए चगले लानत तेरे ते नाले कलमा पढ़ने नाले मंदी नहीं नाले कलमा पढ़ने नाले मंदी नहीं नाले कलमा पढ़ने नाले मंदी नहीं कलमा भी पढ़ने कलमा भी पढ़ने धार मैं ओ यहूदी तो उस कलमे वाले की गल पे करा जो फैसला कराना है वो गल तुम सुना पा लख दी लानती
तेरी शकल वेखा तेरी छुटे मूह मने यहूदी ने कहा उस मुनाफक ने कलमा पढ़ने वाले ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਮਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਫਰੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਮਰ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪੈੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਜੇ ਉਮਰ ਇੰਜ ਪੈਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਪੱਗ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਬੋਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਫੜ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਣਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕੱਪ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਤੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਂ ਚਾਂ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਣ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੱਜਰ ਪੜਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਮਰ ਨੇ ਉਮਰ ਘਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ اللهم عز الاسلام بن عمر بن خطاب سن لو میں ترجمہ کر لگا سارے نو اسلام دی لوڑ ہے اسلام نو عمر دی لوڑ ہے سارے نو عزت اسلام دیندا ہے اسلام نو عزت عمر نے دتی ہے اللهم عز الاسلام میں تے گلی گلی بڈا ہو گیا اندا او لوکو تانوں تے دین مفتے دا ملیا دین دی قدر پوچھنی آ یا نبی دے صحابہ کول پوچھ لے یا کربلا والے پیراں کول پوچھ لے ਜਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਗਣ ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੋਲ ਜਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੱਲਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਲਾ ਵਰੱਬੀ ਕਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਹੱਤਾ ਯੁਹੱਕੇ ਮਹੂਕ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾ ਵਰੱਬੀ ਕਲਾ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਗਵਾਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਤਵਜੋ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਸ਼ਹੀਦਾਨ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਵਲਾਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਬਖਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਏ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਲਾ ਵਰੱਬੀ ਕਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਲਾ ਵਰੱਬੀ ਕਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨੇ
फलावर भी गलाइयो मैनू ना जेड़ा मौला हुसैन नू हक ते ना मन्ने शहीद ना मन्ने फलावर भी गलाइयो मैनू ना ईमान बचाना ही उम्मत च रहना ही क़यामत वाले दिन उम्मत विच उठना ही ते ना चवा पंजा दा गुलाम बन जा गल दी समझ आई के कोई ना इहदे गवाह हजूर ने धड़ा बरादरी कुरमा कबीला सियासी पार्टी नहीं हजूर ने ये तारीख नहीं है हदीस है बचना दे लित्रा तो तां बचना जे उमर उस्मान अली हुसैन नू हक ते मनना जे जिन्हें इन्हां नू हक ते नहीं मनना उन्हें हदीस नू नहीं मनना ते जिन्हें हजूर का फैसला ना मनिया फलावर भी कलाइयो मैनू मैं अज गली गली एक शेर पढ़ना पिया जिदा मुर्शिद अली लजपाल नहीं जिदा मुर्शिद अली लजपाल नहीं जिदा अली नाल तल्लक है बुढ़े बीमार उन्हों नहीं बाकी इबादत समझ के पढ़ो अली दा जिक्र भी इबादत है जिदा मुर्शिद अली बंदी नूं कोई डर नहीं पढ़ सईदां वाले पीरां दा जिक्र करोगे ना मरीद खुश या पीर खुश चूरे शीफ वाले दा जिक्र करोगे पीर खुश या मुरीद खुश गोलड़े शरीफ सियाल शरीफ शरफपुर शरीफ अलीपुर सईदां शरीफ अल्लाह सारे आस्थाने आबाद रहन जिदा नाँ लैना जे पीर खुश या मुरीद खुश मौला अली दा जदों नाँ लैना जे ना पूरी दुनिया दे पीर खुश क्योंकि सारिआं दा पीर अली है ते बुढ़े भी मारन खलो के खलो के खैरो एक मिनट अली पाक दा नाँ हाथ चुक के लेना हजूर दी सुन्नत है चुक लो खुश रहो अली 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 अब बोलो अली 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 चलो बेटे बादशाह फिर सही अल्लाह पाक मेरा बच्चे नूं इज्जत देवे शान देवे अंदरों बोले अंदरों और एक इसलाह करन लगा बेटे जरा उठ खड़ो जा मुराद अली पुत्र अल्लाह तेनू मौला पंज तन पाक दे इश्क ता फरमाए बड़ा दिलों मरी मेरी गल सुन लै इत्थे खलो के एक लफ्ज़ नहीं बोलना मस्त कलंदर अब मौला अली ना मस्त ने ना कलंदर ने ते ना कलंदर कोई सूफिया तरीकत दा ओदा है अली अली करो कलंदर कलंदर ना ते झूले लाने साडा कोई तलक नहीं साडा उस्मान मरवंदी ना तलक है जिदा मुर्शिद अली इबादत समझ के पढ़ो जिन्हें पढ़ना है जिदा मुर्शिद अली लजपाल हजूर दी सुन्नत दे सवाब हुंदा ना
चोखा लागर बीमार है तेनू नहीं आंदा, हाथ चुक के मेरे नाल अली दा नाम तुसीं लैणा है। जिदा मुर्शिद अली, जिदा मुर्शिद अली, जोर ला के जोर ला के, जिदा मुर्शिद अली, जिदा मुर्शिद अली, जिदा मुर्शिद अली, लजपाल नहीं, जिदा मुर्शिद अली, बेटा पढ़ो, जिदा मुर्शिद अली, लजपाल, जिदा मुर्शिद अली, लजपाल नहीं, जिदा मुर्शिद अली, लजपाल, जोर लाओ, जिदा मुर्शिद अली, जिदा मुर्शिद अली, लजपाल नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। ओ पुत्रा मेरे सामने खलो, सामने खलो जा, जो मैं इशारा कर रहा पांच बारी नरादरी मारी, जिदा मुर्शिद अली, लजपाल नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं, ओ लाओ नारा अली, जिदा मुर्शिद अली, खुश रहो, जिदा मुर्शिद अली, मौलवी जी पढ़ लो, जिदा मुर्शिद अली, ओ जन्नत दा हकदार नहीं, ओ लाओ नारा, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, मौला अली दा यो होबदार नहीं, मौला अली दा यो होबदार नहीं, ओदा होना पार नहीं, ओ लाओ खुश रहो है। काश है मौलवी सारे इंजी नारे मारन, मार नारा मौला अली दा, ठंड पास जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, मौला अली दा यो होबदार नहीं, मौला अली दा यो होबदार
ਉਮਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਲਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਦਰ 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 ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੁਨਤ ਏ ਮਸਵਾਕ ਵੀ ਸੁਨਤ ਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਆ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਲਓ ਮਨ ਕੁਨ ਤੋ ਮੌਲਾ ਹੂ ਵਹਾਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਚੁੱਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅੱਧਾ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾ 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 ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈਦਰ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਖਿਲਾਫਤ ਬਣੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸਮਾਨੇ ਗਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇਹ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹੁਬਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਲਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਓ ਨਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ
हजूर जे बोलन हजूर दे फरमान दा इनकार भी कुफर है। लो हुण सारियां दी गल्लां ते नहीं करनियां, करबला वाले पीर दी गल करना। ते जे तुसी मेरी ऐ गल समझ गए ना ते फिर अगली तकरीर भी समझ जाओगे, जे ऐ ना समझे ते पिछली भी नहीं रहनी ना अगली रहनी। मैं खुलासा बयान कर लगा, सुनिए। उस्मान गनी दी शहादत दे गवाह हजूर, उमरे फरूक उस्मान गनी दी शहादत दे गवाह, कोई तवज्जो नहीं की थी। मौला अली दी शहादत दे गवाह, इमाम हुसैन पाक ओ शहीद ने जिन्हू शहादत वास्ते पसंद अल्लाह ने किया, जबील अमीन ने आके दसिया, इहदी शहादत की गवाही रब दे हुक्म नाल दित्ती गई है। छे सत हदीसां मैं बयान कर सकना, यही सच है। उमरे फरूक की शहादत की गवाही हजूर दिती है, छोटी गवाही नहीं है। उस्मान गनी मौला अली दे मुतल्लक हजरत हुसैन पाक करबला दे पीर की गवाही भी हजूर उदो दिती है जो रब ने फरिश्ते कले ने, जबरील भी आए ने अलैहि सलाम, बारिश वाले फरिश्ते उलमा जानते हैं छे सत्त रवायतां ने, ये उन्हें कलिया जोड़ा सहीफे भी घलद जोड़ा तुरैत के जबूर से अंजील भी कली है जिन्हें जिदे राही कली है, कुरान भी कलिया, उन्हें आके आख्या सुने जिन्हों चुमना ना पिया इन्हें करबला शहीद होना ही ते आ मिट्टी आ। हुसैन की शहादत की गवाही हजूर उदों दिती है जो रब ने करबला वास्ते हुसैन नू चुन लिया, हुसैन नू पसंद किया है। रब जानदा ना अली मुमिजात सदूर है, वल अवलो वल आखिरो वल साहिरो वल बातिन वाह वाह बेकुल्ले शैन अलीम। हुसैनी बन के सुनो, वो जेड़ा दौर होना है ना यजीद दा, उत्थे के रब ने अपनी कुदरत नाल जदों अंजर ध्यान मारिया ना, पूरा उतरन वास्ते इको हुसैन नजर आया। क्योंकि बंदा बंदा बड़ा चवल सी सामने जी, एक हुंदे ने नंगे नेत्रे काफर, एक हुंदे ने शक्ल मोमना अंदरों काफर। यजीद अंदरों काफर से तेरी तेनरी काफर चाख ते मैनू ठंड पै जानी है, इंज नहीं जिवें मैं आना जिवें लानत पाई दी, इंज बोलो यजीद काफर है। हाथ चुके कह दियो हो रखो बल्कि सुनिए। हज़रत शेखुल कुरान हज़ार वी रहमतुल्लाह दी बज़ार ते अल्लाह करोड़ आराम दा करे, ए लफ़्ज़ उन्हां दे रिपीट दी मेरे नहीं, फरमांदे ओ काफर जिन्हों काफर भी कहना कुफर दी तोहीन है। यजीद ओ काफर है, हज़रत हज़ार वी दे लफ़्ज़ ने रहमतुल्लाह अलैह, उन्हों काफर भी कहना कुफर दी तोहीन है। ते मेरे लफ़्ज़ ए जे यजीद नूं कुत्ता कहना कुत्ते दी तोहीन है। जेकर मन दे बैत रसूली ते पानी बंद क्यों कर दे। बंदा बड़ा चवल सी सामने, शकल मोमना वाली, शकल मोमना वाली, अंदरों पक्का पीड़ा सील बंद ओरिजिनल काफर डब्बा पैक। की समझते हो कलमा पढ़ने वाले सारे मोमन ही होंगे ने, पढ़ी जाने बड़ा मक्की बयान। कुरान का इनकार करोगे अगर मेरी गल ना मनोगे तो की समझते हो सारे नमाजी तो कलमा पढ़ने वाले मोमन होंगे ने। वामिन नास मैं कुलुआ आमन्ना बिल्लाहि व बिल्योमिल आखरे
वमा हुम बे मोमिनीन वमा हुम बे मोमिनीन वमा हुम बे मोमिनीन कम मोमन आले रब्बा ने हैन पक्के बेईमान। पता नहीं तुहानू किन्ने दसे अमल करिया ईमान लब जांदा। अमलां नाल दर्जे बुलंद हुंदे ने। अमल ईमान नहीं हुंदा, अमल ईमान वाले वास्ते हुंदे ने। ईमान वाला होएगा तो अमल कबूल होएगा। अमल तो चंगे फिर मरदे ही भी करदे, अल्लाह जो भी मनदा, ईसाई भी मनदा, यहूदी भी मनदा, अमल भी कबूल नहीं। क्यों? ईमान नहीं। अमली तलक दा दो लफ्ज़ सुन लो, याद रखिया जे। अमली तलक दा ना ईमान नहीं, ज़ीनी तलक दा ना भी ईमान नहीं। मक्के दा मुशरक सादक भी मनदा सी, अमीर भी मनदा सी। ईमान मिलदा ही उदों में जो कलबी तलक हो जाए। कलबी तलक, कलबी तलक, कलबी तलक की छोटी जी वजाहत है वे, जिथे मुहब्बत होवे उत्थे तनकीद नहीं होंदी, जिथे तनकीद होवे उत्थे मुहब्बत नहीं होंदी। पीर उन्हां दे मनन वाला, इन्हां शकील साहब दे मनन वाला, इन्हां दे माँ प्यो का कदों बेअदब होना है? इन्हां दे मनन वाला इन्हां दे बच्चियां का कदों बेअदब होना है? इन्हां दे मनन वाला जिथे दित्तियां लईयां ने उन्हां दा बेअदब होएगा? दूरों सलाम करेगा मेरे पीर दे तलक वाले ने, ते मदीने वाले दा तलक होवे ते किसे दा गुस्ताख होवे, बेईमान ही हुंदा है। फैसला कौन आजम दा शेर सुन लो। महबूबा उत्ते नुकता चीनी, महबूबा महबूबा उत्ते नुकता चीनी, जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा। सील मन डब्बा पैक असल मुनाफक समझी उसनू, उते झूठे प्यार जताउंदा। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਆਜ਼ਮ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਈਮਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਲ ਹਜ਼ਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਲਾ? ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਉਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਬਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕ ਕੋਲ ਮਕਾਮ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਾਰਾ ਏ ਸੂਫ ਉੱਚਾ ਏ ਕੁਦਸ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਬੂਵਤ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਦਾ। ਪਾਰਾ ਏ ਸੂਫ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਇੰਜ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਰੇ ਜੇ। ਇਹ ਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜਦਾਰਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਤਤਹੀਰ ਸੇ ਜਿਸਮੇ ਪੌਦੇ ਜਮੇ, ਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਰਦਾ ਕੀਤਾ
बच्चे की वलादत का सबब निजस कतरा है। औरत बच्चे के जन्म तो बाद कई दिन न नमाज पढ़ सकती है न तलावत कर सकती है। मौला सदी वलादत हुई है जोर तो बाद जीगर की नमाज जहरा पाक ने पढ़ी है। आला हज़रत फरमाते हैं तत्हीरा तत्हीरा आबे तत्हीर आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। हदीस है सियासता दी लोगों जो तो तुसी गुसल तो बगैर मसीती नहीं आ सकते। इसे वास्ते सरारियां दे दरवाजे बंद हो गए। अहले बैत दा दरवाजा बंद नहीं क्योंकि हर हाल च जिवे हजूर ने फरमाया जिवें हर हाल च मैं मसीती आ सकना मेरा अली भी आ सकता है। इधर फरमाया फातिमा हूर उन आदमी आ आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। उस रियाज कहते ने बाग नू पौधे ने औलादे फातिमा उस रियाजे नजाबत पे उस रियाजे नजाबत पे और खूने खैरुल रसूल से है जिनका खूमी। आला हज़रत मिजार तला करो राम तना है खूने खैरुल रसूल से है जिनका खुमीर खूने खैरुल रसूल से है जिनका खुमीर उस बेलो सतीनत पे। ध्यान सुना सुनो ध्यान अलामा इकबाल तुहाडे शहर दे ने सारे पाकिस्तानियां दी मोहतरम शख्सियत ने उन्हां तीन शेर पढ़े ने तीन होर कोई सुने ना सुने सैयद भी होर ना सुन रहे ने ते जिहड़ा ज़हरा दा मंगता मेरे ध्यान रखे। अलामा इकबाल ने तीन शेर पढ़े ने नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन आ इमामे अव्वलीन व आखरीन बानुए आ ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मादरे आ मरकदे पुरकारे इश्क मादरे आ काफिलाए सलारे इश्क। आला हजरत ने तिना शेर च एक मिसरे च तिने गल कर गए। अलामा तुम्हें कुरबान ते बरेली दे ताजदार तुम्हें इधर देखो अशेर सुनो ये हर मौलवी नहीं पढ़ता मेरा ख्याल मैं ही पढ़ना जो पढ़ना तू इन्हों का तर्जमा करिए तो कई मौलवियों तकलीफ होंगी लो सुनो फिर मैं यकीन है तुसा जो नहीं सुनया होना ये सारे मेरे मोहतरम पर एक दुख की गल पै करना। एक मिसरा नूर बिनते नूर जौजे नूर उम्मे नूर नूर हूँ तुसा कहना नूर है नूर है पुत्र किवें अच्छो के कहना है मैं अपना अकीदा नहीं बयान करता पिया आला हज़रत तू मन वाला उन्होंने अकीदे की विदाउत करना पिया मेरा अकीदा कोलो नहीं बयान मैं करता पिया ये आला हज़रत का अकीदा जो आला हज़रत मानता है अकीदा हक है चुक लो हा अज तो बाद तू इंज ना ना आखिया तो मैं समझागा तू आला हज़रत तू मने ही नहीं। नूर पहले करी सुन लो नूर बिनते नूर जौजे नूर उम्मे नूर नूर हुण मैं इन्हां दे सोहणे नां लैणे ने इत्थे हथ रख के आख छड्डिए नूर नूर सैयदा पाक आला हज़रत दा अकीदा जिहड़ा मंदा उह बोले सैयदा पाक इहदे बेदबी दा इशारा नूर ने कहो सैयदा पाक
सैयदा पाक नबी पाक नबी पाक अली पाक अली पाक अली पाक हसन पाक हसन पाक हुसैन पाक सारिया धिया सारे साहबजादे बच्चा 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 सब घराना इंज खुल के बयान करया करोगे ये अलग रदा कीदा हजरत मौला हुसैन अलैहि सलाम नूं रब ने चुनिया है। दलील देन लगा मैं पहला तो सत हदीसा दलील है कि फरिश्ते आके दसिया उन्हें क्या मिट्टी है ये रब ने पसंद किया हजूर ने बाद इशारा किया जो जबरील अलैहि सलाम ने आके दसिया कि रब दिया रब ने चुन ली तो फिर दसिया शहीद होएगा पहला रोए हुसैन की मोहब्बत कभी रो लिया कारे भी सुन्नत है ड्रामे ना करया करो तो कदी हुसैन पाक का ना लैके रो रोन आ जाए तो रो लिया करो कई मौलियां स्यापे तो पाया उन्होंने गल् ने मैं अल्लाह नूं मानते ने तुम भी छड़ दियो ये की दलील है कुछ सदके दिया अल्लाह अकबर या सुल्ला कुछ सदके दिया सीरिया कुछ टैडी बकरिया दिया एक काम तो रहा भी नहीं ना इतने वो तो ये बड़े ने टपते फिर मगर कट के तल बे भाई आला रोजा किता रब ने चुने हजूर ने बाद फरमान सुन के फिर इतला दिती है हूँ भी जे हुसैन नू ना मने तो वेख तो सही तेरे अंदर ईमान की रत्ती रह गई है तो कोई नहीं है जी अल्लाह ने चुने उदा जवाब सुनो जो अमीरे मदीना ने बुलाया ना यजीद का आर्डर आया लेन का कि सब तो पहला हुसैन की बैत लो सियालकोट वाले जो मेरी गल समझ गए मैं पूरी तकरीर समझ गए तुसी हैं वलीद बिन उकबा नू नाल मरवान लेन भी सी उन्हें आख्या यजीद यजीद आर्डर कर लिया हुसैन की बैत लवो हलों के बड़िया लोगों मान लिया इकतदार कोल हो तो लोग भज भज आते हाँ वेख्या जी इमरान खान का की हो किथे गए सारे नारे मारना इकतदार का भी कुछ असर हों पर आख्या हुसैन पाक बैत मेरी करे उलमाए कराम तो जो फरमान गए वैसे मेरे बेहतर जान दे हुसैन पाक नूं पता सी उन्हूं जिन्ना चिर इन्हें बैत ने ना कीती हुकूमतां चलियां ही ओह ने जिते इत्थे बैत होई है ते रात की करां मैं तुहाडे अगे आउणा वो जानदा सी सदीकी अकबर दे मशीर मौला अली सन उमरे फरूक उस्माने दौर दे मशीर काजी एडा अल्ला फैसले जी कौन नहीं कर सकता उमरे फरूक फरमाते सन अली ना हुंदा ते मैं हलाक हो जांदा उमरे फरूक ने फरमाया अली मोमना दा मौला है ये मेरा भी मौला है जेड़ा ना मने वो मोमन है ही नहीं एक उमरे फरूक ने कहा तू लड़ाइया कितों करांदा रहा है सब तो पहला जफ्फा मार के हज़रत सिद्दीक अकबर ने मुबारक दी अली मुबारक हो गई तू तो सारे मोमना का महबूब बन गया है इस वास्ते मौला अली ने पूछा गया तुहाडे दौर च बड़ा रौला है अबू बकर उमर के दौर च कौन थी फरमाया उन्होंने मशीर मैं था मेरे तुसी हो क्या समझोगे यार मैं क्या कह रहा हूं यजीद इस वास्ते टिल लांदा सी कि मेरे बाप हजरत मीरे माविया दी हुकूमत दी तां चली है जे हसन हमैत कीती बेशक बेशक
याद रखे जे, याद रखे जे, याद रखे जे। एक अहले सुन्नत है जेडे अहले बैत के गुलाम ने, बाकी सब दावे झूठे ने। उन्हें मेरी दुआ है अल्लाह पूरी दुनिया अहले बैत की गुलाम बन गया। मैं कुछ जज्बाती गल नहीं करता पाया। इन्हें आखिया पहला इमाम मौला अली, दूजा इमाम मौला हसन, अगों जिन्हें भी इमाम ने सारे हुसैनी ने। असी सिर्फ हुसैनिया नू इमाम नहीं मनते, हसन नू भी मनने, उहदी औलाद नू भी मनने। असी मनण वाले हाँ, असी मनण वाले हाँ। करबला चली दे किन्ने पुत्र शहीद होए ने, बोलो किन्ने? करबला च जी अठवीं ने, नौवीं ने, पंजवीं ने, तुसी ठीक कह रहे हो। ओदे च कल्ला अब्बास लमदार ही सी, सुन्नी अहले बैत दा गुलाम है, अहले सुन्नत दा गुलाम। अगर दुनिया ते है ना, ते सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वाले वाले। यजीद नूं मनण वाले अहले सुन्नत नहीं हुंदे, जिन्हें नबी का मिलाद नहीं मनाना। अब कसी जी गुमरे फरूक का दिन कट लेना, माँ की सौकन धी की सहेली। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नबी का दिन मनाते नहीं, साहबा का दिन मनाते थे जी। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते। अल्लाह हदायत फरमा। तुम पता मैं गाला कदी नहीं कटियाँ, अपना मौका बयान कर, मेरा हक है। गाजी अब्बास ने वफा की, बोलो गाजी अब्बास ने। जेड़ा गाजी की वफा का बुनकर है बेईमान है, जेड़ा बासलमदार का गुलाम नहीं है बेईमान है। अब्बास के सके भरा का नाम उम्मुल बनीन का पुत्र उस्मान, अली का पुत्र अलमदार का भरा, गाजी का भरा। वो करबला चो नस के नहीं आया, जिथे गाजी वफा की है उस्मान भी वफा की हुई है। दस फिर मनन वाला कौन है? अबू बकर अली का पुत्र नहीं? क्या उमर अली का पुत्र नहीं? ये सारे करबला दे शहीद ने। तू दू नू मने ते मुहिब, असी अठारह दे गुलाम ते मुनकर के रहे हो गए। हम ही अली को मानते हैं। साडा अकीदा जिन्ने भी दुनिया ते अल्लाह दे वली आए ने ना, ये सारा कोल मौला अली का फैज है। तुसी खारजी राफदी नास भी कोई किसी का आस्ताना वखा दिओ। मैं दाता साहब अहले सुन्नत, खाजा साहब अहले सुन्नत, नौशो कन्ने शकर अहले सुन्नत, बाबा फरीद अहले सुन्नत, बाबा कुतब अहले सुन्नत, नामदीन औलिया अहले सुन्नत, खाजा जमेरी अहले सुन्नत, शाह नक्शमंद बुखारी अहले सुन्नत, शाहबुद्दीन सुहरावर्दी अहले सुन्नत, एक गौस पाक अहले सुन्नत, कोई वखा उस्मान मरवंदी अहले सुन्नत। एक वखा दे कोई खारजी राफजी तेन नक्शबंदी चिश्ती कादरी सुहरावर्दी ए सुल्तान बहु के सारे सुन्नी ने। हुण पता लग गई अली दा फैज ठल्ला मार मार उधर आउंदा पिया, जिहड़ा साहबा दा भी गुलाम है, वालदैन मुस्तफा दा भी गुलाम है, अजवाजे मुस्तफा दा भी गुलाम है, औलादे मुस्तफा दा भी गुलाम है। तकरीर छड़न लगा उन्नी नहीं पई, टोपी लाई से उन्हें कम हो गया, तो मैं गल करके छड़न लगा। बस वेख लो ना मेरी तकरीर नाल तो नहीं ना, मेरी जात नाल भी हुण प्यार करो। मौला अली मोहब्बत नाल ते खामोशी नाल जरा सुनो, सुभान अल्लाह जरा हौली आख्या जी। मैनू भी कन्ना च आवाज पाई, मैं भी सुआद लवां, हौली बोलना हूं। मौला अली अली अली
अली सारे बलियां दा इमाम है, अली सारे बलियां दा इमाम है, असा सुनियां दा ए वजीफा ए होई सुबह शाम साढ़े नज़दीक हजूर ने फरमाया जिमें वुजू नहीं तो नमाज नहीं, खुलफाए राशदीन की मुहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। साढ़े नज़दीक अली की मुहब्बत फर्ज का दर्जा रखती है, हसनैन पाक की गुलामी फर्ज है, जहरा की गुलामी फर्ज है। ना ना पुछया करो कौन मौली साहब ने बेदब है तो अहले सुन्नत नहीं, अहले सुन्नत बेदब नहीं, बेदब अहले सुन्नत नहीं हो सकता, अहले सुन्नत बेदब नहीं हो सकता। सुन्नी तो यो वे जड़ा कद्दू नू भी कद्दू शरीफ आंदा है, सुन्नी तो आंदा है लित्रा तो बचना ही ना। इत्थे प्यार हो तुझ से दर, दर से सग, सग से अनिस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। मैं बड़ी मुहब्बत नाल आया, एक कोई बखाला नहीं ये जानते ने। अगर हुण मैं ज़्यादा तकरीर करा तो मेरे वास्ते नुकसानदेह। मैं 15-20 मिनट हो गए ने इत्थे सिर इंजन करदे आ ते मैं टोपी लाई है, हाँ बस ये रंग लाया 50वां साल चढ़ गया तकरीर करदे आ ते कोशिश मैं फुल कीती है, और मैं चाहुंदा सां कोई 5-7 मिनट शहादत बयान करा और मेरी सेहत इजाज़त। तुसीं आप समझ रहे हो कैसा माहौल है, बसते देने बस हाजरी कबूल करना। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, उन रास्ते में रोकना ना। मैं पहले कहा इतने रस्ता बना दियो, मैं निकल लगा बाहर, मैं जो खरोबो ना जरा मैं लंघ लैंदे।